प्यारे बच्चों, हुण आपां ऑन सेइंग प्लीज़ लैसन दा बाकी दा हिस्सा पढ़ते हाँ। ए फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वाज ट्रैम्पल्ड ऑन रादर हैवीली एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए बस। हुण यही लेखक एक दिन बस दे विच बैठा सफ़र कर रहा है ते रीड कर रहा कोई बुक वगैरह, तां उसका जिहड़ा टो है उंदी उंगल है वो ट्रैम्पल की जाती किसी द्वारा। ट्रैम्पल का मतलब होंगे भी जिमें किसी का उत्ते पैर आ जाता है, वो दबी जाती है, कुचली जाती है, रादर हैवीली जोर नाल। सेंसिटिव टो हों बेटे जो जिमें उंगल है बड़ी सेंसिटिव है, उनके दर्द होगी जो उन्हें भार इस तरह का कोई पैंता तो मिधी जाती जिमें पंजाबी कह लो। आई लुकड अप विद सम एंगर। हुण जदों हुण उंगल जां पैर मिध्या गया इस तरह तो मैं कहिंदा उपर वेख्या कुछ एंगर नाल गुस्से नाल एंड मोर एगोनी अते ज़्यादा पेन नाल। एगोनी मैंने हुंदा पेन, पेन मैंने दर्द दर्द भी सी। एंड सा माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस। इत्थे मैं आपदे मित्र नूं वेख्या जिंदा चीयरफुल खुशियां भरिया चेहरा सी, सुभाव वाला सी। वो हुण ये कौन दोस्त है? उही बस कंडक्टर जिहड़ा पोलाइट निम्रता वाला नीमर संभाव वाला बस कंडक्टर। की कहता वो? सॉरी सर ही सैड आई नो दीज आर हैवी बूट्स। कहता माफ़ करना सर, मैनू पता है भी ये बूट्स जोड़े हैवी है, भी जिंदे नाल उंगल मिधी गई है ना वो बूट हैवी है। गॉट दैम बिकॉज माई ओन फीट गैट ट्रोड ऑन सो मच एंड नाओ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। हुण वो मजाक नाल की कहिंदा है? कहिंदा मैं ये जिहड़े भारे बूट क्यों ले है, क्योंकि मेरी आपदी उंगल दूजे लोगों द्वारा ट्रोड कर दिती जांदी सी, जिवें कह लो भी उहदे ते कोई जणा पैर रख दिंदा सी, ते हुण कहिंदा आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स, हुण मैं दूजे लोगों के उपर इस तरह तुरदा हाँ जां मिधदा हाँ। इहदा मतलब की निकलिया बेटे? भी जिहड़ा बस कंडक्टर है वो जदों आपदी जॉब करता है तो लोग उहदे पैर मिध दिंदे है, कहिंदा इस करके मैं भारे बूट रखे हुए है, तो भारे बूट रखे कहिंदा हुण मेरे आपदे तां नहीं मिधे जांदे, मैं हुण दूजिआं दे मिधदा फिरदा। इस तरह की गल की है। होप आई डिड नॉट हर्ट यू। मैनू उम्मीद है मैं तुहानूं हर्ट नहीं किया, भी तुहानूं भी कोई ठेस नहीं पहुँची, दर्द नहीं पहुँचिया। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम। उसने हर्ट तां कीता सी जदों हुण पैर मिधिआ गया, हर्ट तां कहिंदा मैं होया सी, दर्द तां मैनूं होई सी, परंतु उहदे कहिण दा तरीका वो इन्ना चंगा सी, उहने जिवें सॉरी फील कर ली सी ना, ते उस तों बाद उहने मजाक जिहे नाल वी कहा सीगा, तां फिर वो उहने मैं उहनूं यकीन दिखाया दवाया कि ही हैड नॉट बी, उसने मैनूं दर्द नहीं पहुँचाया। आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑबजर्व हिम वैन एवर आई बोर्डड हिज बस। उस तो बाद मैं उसनों ऑबजर्व करना शुरू किया। ऑबजर्व करना होंदा वैसे तो देखना भी कह लो, पर ध्यान नाल कोई गल समझ नहीं किसी का सुभाव बारे देखना या वैसे देखना भी हो सकता है, जो भी मैं उसकी बस में जाता। एंड फाउंड ए क्यूरियस प्लेजर, एक अजीब किस्म की प्लेजर खुशी होंगी सी इन द कॉन्सटेंट गॉड गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस। इनएग्जॉस्टिबल मैंने होंगे जो ना खत्म होने वाला, पेशेंस उनके विच बहुत सी, धीरज बहुत सी, एंड ए गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर कंफर्टेबल। हुण इन्हां लाइनां दे विच जिहड़ा बस कंडक्टर है उनदियां वधिया वधिया क्वालिटीज़ गुड क्वालिटीज़ दसदे पे है, गुड नेचर दा दस्या, उनदे विच पेशेंस बहुत है, धीरज बहुत है, मतलब खिंचदा नहीं जल्दी, ते उनदे विच एक गिफ्ट है फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर कंफर्टेबल, भी वो आपदे यात्रियों नूं कंफर्टेबल रख सके, इन्हें उनके विच एक गिफ्ट आने के गुण है। आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इन साइड। रूम इन साइड का मतलब होंगे अंदर जगह हैगी है। हुण की गल दसी है बेटे? जे मान लो मीह पै रहा हों तो वो उपर जाता स्टेयरस पौड़ियाँ चढ़ के उपर जाता, तो उपर जाके कह दिता भी दस दिता भी अंदर जगह हैगी, अंदर आके बह जाओ, मीह पई जाता है। विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज ए सन। हम देखो जे मान लो बजुर्ग लोग उन्हें बस में सफ़र करते पे है तो उन्होंने उन्होंने पुत्रां वर्गा सी, आपदे आप उन्हों का पुत्र समझदा सी।
एंड विद चिल्ड्रन, मतलब उवें उन्हां दे नाल बिहेव करता सी, एंड विद चिल्ड्रन एज सोलिसिटस एज ए फादर। ते बच्चियां दे नाल उसका जिहड़ा सुभाव सीगा वो इस तरह का सी जिवें फादर ध्यान रखते हैं बच्चों का, जिमें ध्यान रखते हैं उमें पिता वांगू उन्हों का ध्यान रखता सी। ही हैड एविडेंटली ए पेकुलियर वार्म प्लेस इन इज हार्ट फॉर यंग पीपल। ते होर की दस्या कि उसका यंग पीपल दे लिए कि बिहेवियर हों, ही हैड एविडेंटली ए पेकुलियर वार्म प्लेस, भी जेडे यंग पीपल हों ना उन्होंने लिए उन्हें दिल में एक निघा स्थान सी, एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मैरी जेस्ट विद दैम। तो उन्होंने कोई ना कोई मैरी जेस्ट करता रहता सी, कोई ना कोई जोक शेयर करता रहता सी। इफ ही हैड ए ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट एनफ टू सैट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। हुण मान लो उनकी बस दे विच एक ब्लाइंड मैन सफ़र कर रहा है, तो उन्होंने सिर्फ पेमेंट पर उतारना ही काफ़ी नहीं हुंदा सी। ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर। वो आपदे साथी बिल नूं कहिंदा भी एक बार वेट कर, तो उन्होंने एक सड़क के कॉर्नर तक या राउंड द कॉर्नर सड़क पार भी कराता सी, तो राउंड द कॉर्नर छड़ के भी आता सी। हुण आपां नैक्सट पेज पर जाने बेटे। अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, तो उन्होंने सही उसके रस्ते से सेफली छड़ के आता सी। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड सच एन एटमोसफियर ऑफ गुड टेंपर एंड काइंडलीनेस दैट ए जर्नी विद हिम वॉज ए लैसन इन नैचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स। हुण उहदे विचों एक जिवें किरणा निकलदियां सी काहदियां, चंगे सुभाअ दियां, गुड टैंपर दियां, एटमोसफियर बन जांदा सी उत्थे। उहदे विचों चंगा सुभाअ होण करके जिहड़ा एटमोसफियर सीगा वो बहुत वधिया बन जांदा सी, एंड काइंडलीनैस उहदे विच सी, दयालूपन सी। ते जिहड़ी जर्नी उहदे नाल करनी हुंदी सी लोकां ने, वो एक तरह लई उहनां लई लैसन बन जांदा सी, एक सबक बन जांदा सी। काहदे वास्ते? नैचुरल कर्टसी वास्ते, शिष्टाचार का एक लैसन बन जाता सी, एंड गुड मैनर्स, ते चंगे मैनर्स की समझे आप। भी उसकी बस में सफ़र करना एक तरह शिष्टाचार के गुण सीखना ते चंगे मैनर सीखने दी दा एक लैसन बन जाता सी अपने आप में। वट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली वाज द केयर विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क इफ ही हैड मैनर्स। दोबारा फिर सुनो। वट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली वाज द केयर विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क, मतलब वो आपदे काम विच बड़ी केयर रखता सी, ध्यान नाल वो सारा काम करता सी। इफ बैड मैनर्स आर इनफेक्शस सो आल्सो आर गुड मैनर्स। हुण जिवें आपां पहलां पढ़िया भी बैड मैनर इनफेक्शस हुंदे ऐ, बैड मैनर्स एक तो दूजे नूं फैलदे ऐ, इसे तरह ही गुड मैनर्स भी फैलदे ऐ, वो भी इनफेक्शस होंगे है, वो भी एक दूजे तो होंगे है। कहना मतलब जे असी गुड मैनर्स वाले लोगों से रहेंगे तो अपन भी गुड मैनर्स आएंगे। इफ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी, जेकर साडा सामना इनकाउंटर होना, सामना होना इनसिविलिटी असभ्य लोग नाल हुंदा है, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। साडे विचों बहुते की बन जाते हैं, अनसिविल बन जाते हैं, आपां भी असभ्य बन जाने हैं। भी साडे नाल कोई माड़ा व्यवहार करता है, असं भी माड़े बन जाने हैं। बट इट इज़ एन अनयूजली अनकाउथ परसन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद सनी पीपल। उन्हें दे मीनिंग समझो। एक इत्थे वर्ड आया बेटे अनकाउथ, मतलब कि ऑड टाइप, अनयूजली ऑड टाइप कोई परसन ही होगा। हु कैन बी डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल मैंने असहमत होना, विद सनी पीपल मैंने सनी मैंने खुश, सनी पीपल मैंने खुश मिजाज, खुश रहने वाला जोड़ा व्यक्ति होगा, कि मतलब इनका बनया भी एक ऑड परसन ही होगा जोड़ा कि एक खुश मिजाज व्यक्ति दे नाल डिसएग्रीएबल होगा, असहमत होगा। भी आम तौर पर जोड़ा खुश रहने वाला व्यक्ति है ना, उनके नाल सारे सहमत बन ही जाते हैं। उस तो बाद है बेटे, इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वैदर। ये मैनर्स नाल भी उवें है जिमें कि वैदर नाल हुंदा है। नथिंग क्लीयरस अप माई स्पिरिट लाइक ए फाइन डे, भी होर कोई चीज़ नहीं, एक वधिया दिन ही जिहड़ा मेरी स्पिरिट्स नूं
ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਡ ਕੀਟਸ, ਐਂਡ ਏ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਡਿਸੈਂਡਸ ਓਨ ਈਵਨ ਦਾ ਗਲੂਮੀਐਸਟ ਆਫ ਅਸ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੈਨੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨ ਡੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵੈਦਰ ਔਨ ਪੋਲਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੱਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਸਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ, ਹਿਜ਼ ਕੌਨਸੀਲੇਟਰੀ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਿਜ਼ ਪੈਸੈਂਜਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲਹਿਜਾ, ਸਲੀਕਾ, ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਸੈਂਜਰ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਹੀ ਲਾਈਟਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਟਾਸਕ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਗੇਟੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਟ ਏ ਸਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹਿਜ਼ ਗੇਟੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਨਾਟ ਏ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਟ ਏ ਸਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਬੱਸ ਰਾਊਟ ਆਫ ਲੇਟ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਹਿਜ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਓਨ ਦਾ ਓਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਰੋਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਕੈਨਾਟ ਬੀ ਟੂ ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਇਨ ਏ ਰਾਦਰ ਡਰੈਬ ਵਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਡਰੈਬ ਵਰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਬ ਡੱਲ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਮੇਕ ਨੋ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਪੈਨੇਜਾਇਰਿਕ ਓਨ ਏ ਅਨਨੋਨ ਓਨ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਪੈਨੇਜਾਇਰਿਕ ਓਨ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਫ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕੁਡ ਗੈਦਰ ਲੈਸਨਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੂਅਰ ਲੀਚ ਗੈਦਰਰ ਓਨ ਦਾ ਲੋਨਲੀ ਮੂਅਰ, ਆਈ ਸੀ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਲੈਸਰ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਲੈਸਨਸ ਇਨ ਕੰਡਕਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਹੂ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊ ਏ ਵੈਰੀ ਮੋਡੈਸਟ ਕਾਲਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਐਂਡ ਕਾਇੰਡਲੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਚ ਗੈਦਰਰ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਚ ਗੈਦਰਰ ਜੋਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਓਨ ਦਾ ਲੋਨਲੀ ਮੂਅਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਦੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ, ਜਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਖੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਦਾ ਵਾਰ
हैज हैड ए चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। हुण जिहड़ा वार दा माड़ा असर पैंदा है, चिलिंग इफेक्ट पैंदा है किंदे ते, जिहड़ियां एवरीडे च आपां सिविलिटीज करदे हां, शिष्टाचार करदे हां, बिहेवियर आपां यूज करदे हां, भी जिहड़े शिष्टाचार ने साडी जिंदगी नूं स्वीटन करना हुंदा है उहदे ते माड़ा प्रभाव पैंदा है वार दा। वी मस्ट गैट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। हुण देखो, जेकर असी आपदी जिंदगी नूं काइंडली बनाना चाहते हाँ, टॉलरेबल बनाना चाहते हाँ, एक दूजे के प्रति सहनशील बनाना चाहते हाँ, तो सानूं ओह सिविलिटीज वापस लैनिया पैणगियां, साडे विच वापस ओह सिविलिटीज आनियां चाहीदियां। वी कैनॉट गैट दैम बैक बाय इनवोकिंग द लॉ। हुण देखो, कानून की मदद लैके असी उन्हां नूं वापस नहीं लिया सकते। जी कहिए ना भी कानून की वरतों करो, कठोरता करो, सख्ती करो, तो बंदे सारे वो सिविल हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे, इंज नहीं होना। द पुलिसमैन इज़ ए नसैसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ ए नसैसरी इंस्टीट्यूशन फॉर ए सोसाइटी दैट इज स्टिल सम वट लोअर दैन द एंजल्स। हुण देखो, साडा समाज है उन्हें विच पुलिसमैन एक नसैसरी सिंबल है। वो एक सिंबल कहदा है, जिमें कह लो भी एक साडे समाज दे विच लॉ नूं लागू करना, उन्दे वाले उन्दे वास्ते पुलिसमैन एक सिंबल है। ते जिहड़ा कानून है वो एक नसैसरी इंस्टीट्यूशन है, वो एक जरूरी इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था है। अते ये जिहड़ी संस्था ना अजे भी किंदे नाल लोअर है, एंजल्स नालों। एंजल्स मतलब की हैं देवतियां नालों। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक। परंतु इतने की है, लॉ सानू सिर्फ किधर तो बचा सकता है, कि जे मटीरियल अटैक होवे, किसी ते फिजिकल अटैक होवे, तां सानू बचा सकता है। नॉर विल द लिफ्ट मैनज वे ऑफ मीटिंग मोरल एफरंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रीस्टोर द सिविलिटीज। हुण लिफ्ट मैन की फिर एग्जाम्पल ली है, भी जिहड़ा लिफ्ट मैन का तरीका सी ना फिजिकल वायलेंस यूज करके सिविलिटीज दोबारा वापस लिया, भी तू बोलता क्यों नहीं, प्लीज़ ये कोई तरीके नाल आपां वापस नहीं लिया सकते। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड ए मोर सबल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज विद एलैबोरेट नेक्स्ट पेज पोलाइटनेस। भी जे चंगा हुंदा भी जिहड़ा वो लिफ्ट मैन है उस माड़े व्यवहार करन वाले व्यक्ति नाल ज़्यादा पोलाइटनेस नाल उन्हें नाल वर्ताव करता, भी भावें उन्हें वो नहीं आखे लग्या, भावें उन्हें टॉप प्लीज नहीं किया, परंतु चंगा होना सी जेकर जेकर उसनों जेड़ा जिन्हें प्लीज़ नहीं किया सी ना उन्हें नाल पोलाइटनेस नाल उन्दा बिहेवियर हुंदा लिफ्ट मैन दा, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, तो फिर उन्हें जित मिल जानी सी, नॉट ओनली ओवर द बोअर बट ओवर हिमसेल्फ। ना सिर्फ उस गंवार ते माड़े वतीरे वाले ते जित मिलनी सी, सगों आपदे ते भी जित होनी सी। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। ते यही जित मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है। द पोलाइट मैन मे लूज द मटीरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। एक जिहड़ा पोलाइट मैन है, हो सकता है मटीरियल एडवांटेज ना होवे, भी लोकी कहन भी तू तो डर गया, तू हार गया, परंतु उनकी स्पिरिचुअल विक्ट्री हमेशा होंगी है। भी हुण इसे तरह से फिर आप दोबारा सोच के वेखिए, जिहड़ा लिफ्ट मैन है जेकर उन्दे नाल वो जिहड़ा दूजा व्यक्ति सी जिहड़ा प्लीज़ नहीं बोल रहा सी, उनका वतीरा चलो माड़ा हैगा सीगा, पर जे लिफ्ट मैन अगों पोलाइट बिहेव करता ना, तो फिर उनकी स्पिरिचुअल विक्ट्री होनी सी, अध्यात्मक तौर पर उनकी जित होनी सी। आई कमेंड टू लिफ्ट मैन ए स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। एक स्टोरी दसी है, चेस्टरफील्ड एक लेखक हुए है। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेमेंट ऑफ टूडे। उस समय की गल है जो लंडन दिया गलियां ज स्ट्रीट्स वो बिना पेमेंट दे होंदियां सी, उत्थे फुटपाथ वगैरह नहीं बने हुए सीगे। एंड द मैन हू टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फूटिंग। हुण की है, जिहड़ा आदमी कंध दे नाल नाल चलता सी ना, उन्दे पैर सुके रहिंदे सी, नहीं तां मतलब गलियां दे विच तुसीं ऐ कह लो भी तिलकण सी, चिक्कड़ सी कह लो। आई नैवर गिव द वॉल टू ए स्काउंडरल। हुण एक उदाहरण दित्ती है,
एक आदमी कहता है चेस्टरफील्ड नू, आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंडरल। स्काउंडरल हुंदा बदमाश। हुण आदमी की कहता चेस्टरफील्ड नू, मैं किसी बदमाश नू कंध वाला पासा नहीं दिंदा हुंदा। अगों हू मैट द चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट, ये दस्या ना, आई ऑलवेज डू सैड चेस्टरफील्ड। तो चेस्टरफील्ड अगों की कहता मैं हमेशा दे दिना। इन्हें मतलब की है भी मैं हमेशा स्काउंडरल नू वॉल दे दिना, उन्होंने मैं वो वाला पासा दे दिना। तो एक तरह बिना मतलब लड़े सिंपल वे नाल गल कह के ही उन्होंने एक तरह हरा दिता। स्टैपिंग विद ए बो ऑन इन टू द रोड। हुण जिवें दोबारा फिर पंजाबी समझ लो, कहिंदा भी मैं बदमाश नूं कंध वाला पासा नहीं दिंदा हुंदा, ते ये अगो की कहिंदा मैं दे दिंदा हुंदा, मतलब मैं जे कोई बदमाश आवे तां उहनूं मैं कंध वाला पासा दे दिंदा। तां उहनूं एक तरह इनडायरैक्ट तरीके नाल एक तरह जवाब मिल गया। आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीटर दैन इफ ही हैड फ्लंग द फैलो इन टू द मड। आई होप, मैं उम्मीद करता हाँ जिहड़ा लिफ्ट मैन इस गल नाल सहमत होवेगा कि उसका रिवेंज, उसका बदला मच मोर स्वीट होना सी इफ ही हैड फ्लंग द फैलो इन टू द मड। की दसदे है भी जेकर लिफ्ट मैन है जे उन्दे नाल चंगा वर्ताव करता तां उन्दा बदला ज़्यादा वधिया होना सी बजाय उसनू मड विच सिटन दे। कहना मतलब जेकर लिफ्ट मैन जिहड़ा वाला व्यक्ति है वो उस नाल पोलाइट मैनर नाल बिहेव करता तां उन्दा सो बदला वधिया तरीके नाल लिया जाना सी। तां ये बेटे लैसन सीगा, आपां पढ़ लिया। हुण इस दे क्वेश्चन वास्ते आपां नैक्सट वीडियो च देखांगे। तुसी ये दोनों वीडियोज़ ध्यान नाल सुन लैनी है। थैंक यू।